मेरा नाम है फैरोज़ अमर डार, मैं हैदरपुरा में रहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद करता हूँ कि बहुत टाइम के बाद ये जो दरगाह हज़रत बल है ये खुली है, क्योंकि आपको सबको ही पता है कि यहाँ जो है प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक है, उसकी वजह से सब लोग यहाँ उसकी ज़ियारत करने आते हैं। जो कि आपको पता है कि मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 19 अक्टूबर को है, उसकी वजह से यहाँ से लोग पहले ही उससे पहले ही यहाँ आते हैं, दुआ अपने दुआएँ मांगते हैं। जिसको भी जो अकीदा होता है वो यहाँ आता है, चाहे कोई बीमार हो, रिज़ल्ट हो, या किसी को कोई बच्चा औलाद ना हो, तो वो यहाँ अपने अकीदे के साथ आता है, दुआ मांगता है। जिसको जो अकीदा होता है वो उसको अल्लाह उसको ना वो कबूल कर। जी बहुत अरसे के बाद ये खोला गया है, एंड वी पीपल फील वेरी हैप्पी दैट दिस शाइन हैज बीन ओपनड आफ्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर गैप ऑफ लॉन्ग टाइम। आई फील दिस विल कंटिन्यू ओपन, सो पीपल कम एंड प्रे वट एवर दे वॉन्ट एंड इनशाला दे फील द रिजल्ट ऑफ दैट वेरी प्रेयर्स। थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, इसके बाद भी खुला ही रखना चाहिए? हाँ, मैं गवर्नमेंट से यही इस्तेदा करता हूँ कि अगर आपने बागात दूसरे जो ये खुले रखे हैं तो इन ज़ियारतों को भी खुला रखा करो, क्योंकि अगर हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ कोई ये सिस्टम कोई सिस्टम नहीं होता है, लेकिन जब हम ज़ियारत पर आते हैं पहले अपने आप को पहले एब्लूशन करते हैं, पहले हम वुदू करते हैं, मुँह करता है सब, मुँह हम साफ़ करते हैं, अपने हैंड्स को साफ करते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आते हैं। ये वो जगह नहीं है जहाँ कोई डिसिप्लिन की कोई ना बेहरमती हो जाती है, यहाँ पहले इंसान अदब एहतराम के साथ आता है। इसमें मुझे नहीं लगता अगर कोई कोविड पेशेंट यहाँ आता है वो ठीक होता है यहाँ से, अगर बागात और दूसरी जगह वहाँ उसको इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन फैलता है। यहाँ जो भी आते हैं पहले अपने आप को साफ तरीके से आते हैं। आई डोंट फील दैट देयर विल बी केसेस ऑफ द कोविड सर। अभी हम दरगाह हज़रत बल में है जहाँ अभी अभी जो नमाज शुरू की गई है, बहुत अरसे के बाद दरगाह हज़रत बल में आज नमाज अदायगी की जा रही है, जबकि यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अगर गार्डन्स और बाकी जो मॉल्स सिनेमा हॉल्स खुले हैं तो श्राइन्स और मस्जिदों को बंद क्यों रखा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोगों ने यह सवाल किया है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आज काफ़ी अरसे के बाद फिर से दरगाह हज़रत बल जो एक बड़ी ज़ियारत मानी जाती है, यहाँ पर लोग आज नमाज अदा कर रहे हैं, जबकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग जो है जो डिवोटीज है यहाँ पर आ चुके हैं, शहरों गांव से देहात से यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जो है अभी नमाज अदायगी के लिए आए हैं। अगर हम बात करेंगे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, औरतों से लेकर जो मर्द हजरात हैं वो भी यहाँ पर अपनी अकीदत और नमाज अदायगी के लिए पहुँच गए हैं। जान मानी लेकिन उस रेट से रहें।